हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, जिसके अकॉर्डिंग पार्टिकल का भी वेव नेचर होगा। अब हम देखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एनी अदर पार्टिकल एट द सेम टाइम एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन का या किसी और पार्टिकल का मोमेंटम और पोजिशन एक टाइम में एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, देर इज़ ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ पोजिशन एंड सम अनसर्टेनिटी इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द मोमेंटम। कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी पोजिशन पे, और कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी मोमेंटम पे, अगर हम उन दोनों को सेम टाइम में मेजर करते हैं। ठीक है, सो देखो, तो इसीलिए क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ऑफ द ऑर्डर एच कट। ओके, जिसमें एच कट एच अपॉन टू पाई है, एच इज़ द प्लैंक कॉन्स्टेंट। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है, कितनी अनसर्टेनिटी है पोजिशन के मेजरमेंट में। ओके, और डेल्टा पी क्या है, कितनी अनसर्टेनिटी है मोमेंटम के मेजरमेंट में। ठीक है, सो ये लॉ यही बताता है, अगर हम पोजिशन को एग्जैक्ट मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हमें मोमेंटम एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा, उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर हम मोमेंटम एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं तो हमें पोजिशन का एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, है ना। तो और ये किसके इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच कट, मैंने बताया एच अपॉन टू पाई, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है। तो एच कट की वैल्यू, एच अपॉन टू पाई की वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू बहुत कम है, 10^-34 में। ओके, तो ये वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, इसलिए मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए ये वैलिड नहीं है। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बहुत छोटा है, तो उसमें ऐसा कुछ अनसर्टेनिटी नहीं होगी। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए, जिस सबएटॉमिक पार्टिकल्स के लिए, वहाँ ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो वहाँ अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन की कैलकुलेशन करना चाहोगे, तो पता करना चाहोगे एग्जैक्ट पोजीशन, तो आपको मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ओके, और मोमेंटम एग्जैक्टली मेजर करना चाहोगे तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी आ जाएगी इसमें। और ये जो हमने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस देखी थी मैटर वेव पिक्चर, इससे ये बात और ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, सो इक्वेशन 11.112 अलाउज द पॉसिबिलिटी दैट डेल्टा एक्स इज जीरो, बट देन डेल्टा पी मस्ट बी इनफाइनिट ऑर्डर दैट द प्रोडक्ट इज नॉन जीरो, है ना। अगर डेल्टा एक्स देखो यहाँ जीरो हो जाता है, ठीक है, मतलब हम एग्जैक्ट मोमेंट पोजिशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी है, है ना, कितना डेविएशन है बेसिकली जो पोजिशन में, ओके, की कैलकुलेशन में वो जीरो करना चाहेंगे, तो क्योंकि ये तो फाइनाइट वैल्यू है ना, तो इसको इनफाइनाइट होना पड़ेगा, फिर हमें मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है। सिमिलरली इफ़ डेल्टा पी इज़ ज़ीरो, डेल्टा एक्स मस्ट बी इनफाइनाइट, और अगर हम डेल्टा पी को ज़ीरो करते हैं तो डेल्टा एक्स वो इनफाइनाइट हो जाएगा। मोमेंटम एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो जो डेविएशन डेल्टा पी में उसको ज़ीरो करना चाह रहे हैं, तो जो अनसर्टेनिटी डेल्टा पी में तो अनसर्टेनिटी पी में मोमेंटम में एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट पोजिशन नहीं पता चलेगी। ठीक है, डेल्टा एक्स इनफाइनाइट हो रहा है। ऑर्डिनरली बोथ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी आर नॉन जीरो सच दैट देयर प्रोडक्ट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट। ठीक है, और इन ये दोनों ही नॉन जीरो हो गए जनरल केस में, और इनका ऑर्डर प्रोडक्ट एच कट के ऑर्डर में होगा। ठीक है, मतलब कुछ अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स में रहेगी, एक्स में रहेगी पोजिशन में, ओके, और कुछ अनसर्टेनिटी मोमेंटम में रहेगी। ठीक है, नाउ इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ डेफिनेट मोमेंटम पी बाय द डी ब्रॉय रिलेशन, है ना, डेफिनेट मोमेंटम है मतलब डेल्टा एक्स जीरो है, है ना, एग्जैक्ट हमें वैल्यू पता चल गई, जो अनसर्टेनिटी वो जीरो है। ठीक है, इट हैज़ डेफिनेट वेवलेंथ लैम्डा, तो उसकी अगर हमें पी पता चल गया तो डी ब्रॉय रिलेशन क्या था, बेसिकली दैट वॉज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर पी एग्जैक्टली पता तो लैम्डा उसकी हमें पता है एग्जैक्ट, उसका वेवलेंथ हमें पता है मैटर वेव। ओके, अ वेव ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ एक्सटेंड ऑल ओवर द प्लेस, और वेव कहाँ होगी, वेव किसी एक प्लेस में हो सकती है, नहीं, वो तो पूरे स्पेस में होगी ना। ओके, एक प्लेस में नहीं हो सकती है वेव कभी भी, वेव पूरे स्पेस में होती है। तो देखो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ गई, अगर हम उसकी एग्जैक्ट वेवलेंथ पता चल गई है तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ गई। ओके, बाय बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन दिस मीन दैट द इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकलाइज्ड इन एनी फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, तो बॉर्न प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन भी यही बोलता है कि इलेक्ट्रॉन
यानी कि अगर एग्जैक्टली वेवलेंथ पता चल गई इलेक्ट्रॉन की तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किसी एक जगह पे है नहीं, वो उसकी बस पॉसिबिलिटी हो सकती है मिलने की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इस रीजन में होगा, इस रीजन में होगा, हर जगह हो सकता है वो, ठीक है, किसी एक प्लेस में लोकलाइज नहीं है, ठीक है। एक बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको अनसर्टेन प्रिंसिपल का, डेट इज़ इट्स पोजिशन अनसर्टेन इज इनफाइनट, ठीक है, हम पोजिशन कहाँ पर एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते, विच इज़ कंसर्न विद द अनसर्टेन प्रिंसिपल, है ना। तो बॉन्ड प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन भी यही कहता है, उसके बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है। इन जनरल द मैटर वेव एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सटेंडेड ऑल ओवर प्लेस, इट इज़ अ वेव पैकेट एक्सटेंडिंग ओवर सम फाइनाइट रीजन ऑफ स्पेस, इन दैट केस डेल्टा एक्स इज नॉट इनफाइनाइट बट द सम फाइनाइट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द वेव पैकेट, ठीक है। तो जो वेव है मैटर वेव एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन के, तो वो हर जगह नहीं है स्पेस पे, हर जगह होगी तो डेल्टा एक्स कितना होगा, इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि हर जगह है, तो अनसर्टेनिटी कितनी है पोजिशन में, इनफाइनाइट है क्योंकि वेव तो हर जगह है, ओके। और लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन तो फाइनाइट रीजन में है, ठीक है, इतने छोटे रीजन में, यहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ है पता नहीं, है ना, इसलिए डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी तो है पोजिशन में, लेकिन इनफाइनाइट अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट होने का मतलब हर जगह है वो, वेव तो हर जगह होगी, बट इतने छोटे रीजन में, यानी कि डेल्टा एक्स क्या है, फाइनाइट है, अनसर्टेनिटी है लेकिन फाइनाइट अनसर्टेनिटी है, ओके ओके। ऑल्सो यू मस्ट अप्रिशिएट डेट अ वेव पैकेट ऑफ फाइनाइट एक्सटेंशन डज नॉट हैव अ सिंगल वेव लेंथ। अब जो वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, ठीक है, वेव पैकेट बेसिकली क्या है, ये बहुत सारी वेव का कॉम्बिनेशन है बेसिकली, ठीक है, वेव पैकेट, ओके, एक सेंट्रल वेवलेंथ होगा उसके अराउंड, जैसे लिखा हुई है, इट इज़ बिल्ड अप ऑफ वेवलेंथ स्प्रेड अराउंड सम सेंट्रल वेवलेंथ, एक सेंट्रल वेवलेंथ के अराउंड बहुत सारी वेव्स होगी, उसका एक्सटेंशन होगा, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन होगा बेसिकली वेव पैकेट, ठीक है। जितनी ज़्यादा हम वेव्स को ऐड करेंगे उतना ज़्यादा हमें क्या हो जाएगी, सुपर इम्पोज होंगे और हमें इस तरह से पीक्स मिलने लगेगी, ठीक है। मैं आपको एक इसको डिटेल में, ये एनिमेशन से समझ में आएगा आपको, ये उसका वीडियो मैं लिंक में एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देखना आप, ठीक है। जितना ज़्यादा हम वेव को लेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, उनका सुपर इम्पोजिशन से पोजिशन एग्जैक्ट मिलती जाएगी, लेकिन हमें उस केस में जो मोमेंटम है वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ते जा रही मोमेंटम में, ठीक है। और अगर हम क्या कर रहे हैं, हमें मोमेंटम एग्जैक्ट चाहिए, तो उस केस में हमें पोजीशन नहीं पता, ठीक है, तो इस तरह से, ओके। तो आई होप कि मैं इसको समझा पाया हूँ, ठीक है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये, बहुत डिटेल और क्वांटम मैकेनिक्स में हायर क्लास में से और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, अभी एक बेसिक आइडिया ही लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है। और कुछ वीडियोस कल में, क्योंकि ये अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो, ठीक है, तो मैं कुछ वीडियोस, बहुत अच्छी वीडियोस हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनको देखना, तब ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा, अगर आप डीप में इसको समझना चाहते हो। बाय डीप रॉय रिलेशन देन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल हैव ऑल्सो स्प्रेड इन अनसर्टेनिटी, ठीक है, और अगर क्या हो जाए, देन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल हैव स्प्रेड अनसर्टेनिटी, ठीक है। दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट कैन बी शोन दैट डेल्टा वेव पैकेट डिस्क्रिप्शन टुगेदर विद डीप रॉय प्रोबेबिलिटी इंटरवल रिड्यूस द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ना। तो मैंने जैसे बताया, ओके, वही चीज़ आ गई, अगर हम पोजिशन एग्जैक्ट पता कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पीक जब मिल रही है, तो इसमें मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारी वेव्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है। और अगर लेकिन एक सिंगल वेव ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फिर अनसर्टेनिटी पोजिशन पर, क्योंकि वो कहीं पर भी हो सकती है, ओके। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी और डी ब्रॉय रिलेशन बॉन्ड प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन के क्या प्रोड्यूस करता है, से मिला के ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें एग्जैक्टली दे सकता है, ठीक है। इन चैप्टर 12 द डी ब्रॉय रिलेशन विल बी सीन टू जस्टिफाई बोथ पोस्टुलेट ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। डी ब्रॉय रिलेशन बोथ पोस्टुलेट को जस्टिफाई करेगा, ठीक है, एंगुलर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को, उसको एटम चैप्टर में देखेंगे हम, ठीक है। फिगर 11.6 शोज अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ लोकलाइज वेव पैकेट एंड एन एक्सटेंडेड वेव विथ फिक्स वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो, एक लोकलाइज वेव पैकेट ये रहा, ठीक है, हमने क्या किया, बेसिकली बहुत सारे वेव को कंबाइन किया, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोकलाइज वेव पैकेट है, इसमें हमें यहाँ पर पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा है मिलने की, ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, इसका मोमेंटम एग्जैक्ट वेवलेंथ नहीं पता, इसकी मोमेंटम लूज किया, और जिसमें हमें एग्जैक्ट वेव लेंथ पता है उसमें हमें पता नहीं इसकी एग्जैक्ट पोजीशन,
ठीक है, और यही हाइजेनबर्ग अनसेंट्रल प्रिंसिपल। आई होप कि ये टॉपिक मैं आपको समझा पाया हूँ, कुछ आइडिया मैं दे पाया हूँ, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी डिटेल में इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये 100% आ सकता है, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया, वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी कुछ वीडियोस का, बहुत अच्छी वीडियोस का लिंक मिलेगा अगर आपको इसको डीप अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन वेव मैटर वेव देखेंगे, फिर उसके बाद डी ब्रॉय रिलेशन को एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था उसकी बात करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।